अब ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो पहले R1 रो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, R3 के एलिमेंट को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस 2 बाई 5, तो ये तो हो गया -2/5। अब ये क्या हो जाएगा 1/5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसको है ना सब्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा 1/5 + 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, ये R1 चेंज हो गया। अब R2 पे आ जाओ, R2 को क्या कर रहे हैं, R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R3 के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ, रफ में देखो, यहाँ रफ में कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, R3 का ये एलिमेंट है ना, अब ये R2 चेंज हो रहा है ना, तो R2 चेंज हो रहा है तो R3 लिख दो 2/5, इसको ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, -2/5 ये लिख दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बोलो कि इसको 2 से डिवाइड करके R2 के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 1/2 से मल्टीप्लाई करके R3 के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इसको 2/5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/5, तो ये क्या हो गया -1/5, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, R3 को क्या किया हमने, 3/10 है हमारे पास, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 3/10 -1/10, ये क्या हो जाएगा 2/10, ये क्या हो जाएगा 1/5, तो ये क्या हो गया 1/5। अब फिर आ जाओ हमारे पास क्या है, -2/10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करके 1/2 से, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया -2/10, और ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 1/5, तो क्या हो गया -2 + 2, 2 कैंसिल हो गया, तो -2 + 2/10 ये हो गया 0, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है, ये हो गया A। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 0 1 0 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ना ये B मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हमारा I बन गया। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, अब हमारा A इनवर्स निकल गया, A इनवर्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, B मैट्रिक्स, तो हमारा A इनवर्स क्या हो गया, A इनवर्स हमारे पास क्या मिल गया, A इनवर्स इज इक्वल टू B, और B मैट्रिक्स क्या है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर तुम्हारे पास ये आंसर सही है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम है तो ये इसको जो गिवन मैट्रिक्स है ना, ये तो A इनवर्स आ गया, जो गिवन मैट्रिक्स A है उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है, नहीं आया तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये अभी मैंने जो सॉल्व किया ना, किस मेथड से सॉल्व किया, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी दिस इज, ये हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन है, देख लो आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर इज सेम आया है, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करके आंसर निकाल लिया। अब आ जाते हैं बच्चों मेथड नंबर 2, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब बच्चों देखो मेथड नंबर टू में क्या है, कुछ नहीं, मेथड टू को ध्यान से देखो, मेथड टू क्या है बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ए आई को किधर लिखते, इधर इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है,
ए आई यहाँ लिख लिया 1000100001। अब ए क्या है, 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी बनाना है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे आइडेंटिटी बनाएंगे, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहां यूज करेंगे सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहां यूज करेंगे, और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या बोला, सबसे पहले करोगे तुम क्या कि इसको वन करोगे, इसको वन करोगे। तो एक तो रास्ता वन करने का क्या है कि पहले तुम ये जो फर्स्ट कॉलम है ना हमारा, फर्स्ट कॉलम इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो। अब कॉलम की बात करेंगे, अब रो की बात नहीं करेंगे। अब ऐसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसा नहीं करेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करेंगे तो उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया, कॉलम में रो कर दिया, गलत हो जाएगा। अब सिर्फ कॉलम कॉलम पे बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट कॉलम को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इस 3 को पहले कॉलम और तीसरे कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे। ठीक है, उससे भी काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने चलो पहले कॉलम ही को हमने क्या कर दिया, C1 को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, हमने बोला कि C1 1/2 C1 कर दिया, पहले कॉलम को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां भी करना होगा पहले कॉलम को 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 1/2, ये 0 और ये 0, ये तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो रह जाएगा 0 0 1, और इसको 2 से डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी हो गया 1 और ये 3/2। ठीक है, ये तो सेकंड कॉलम -3 2 -2 और ये 3 3 2 ऐसे रह गया। अब ये हो गया हमारे पास। अब क्या देखा मैंने, मैंने क्या बोला है कि जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रो वाइज 0 करेंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कॉलम वाइज 0 करेंगे। अब मुझे इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं सोचूंगा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे, मैंने क्या चेंज करना है, C2 को, C2 को मैंने क्या किया, C2 + 3 C1 कर दिया तो ये 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है, C3 को, C3 को क्या करना है, C3 में से -3 C1 कर दिया, तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन से ये दोनों 0 हो जाएगा। तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी यूज करेंगे हम लोग, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहां यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब C2 को चेंज कर रहे हैं तो पहला कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो पहला कॉलम 1/2 0 0 रह गया। अब C2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड कॉलम में क्या कर रहे हैं, पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, पहले कॉलम के एलिमेंट को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 0 तो ऐड करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे थर्ड कॉलम के लिए, क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ थर्ड कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 ये क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 - 0 इज 1, तो ये 1 हो गया। अब यही काम यहां भी करेंगे, तो हमारा पहला कॉलम तो चेंज होगा नहीं, 1 1 3/2। अब क्या होगा, सेकंड कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, तो 2 - 3 तो ये -1 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये, अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना मैं, लगता है ऐड होगा ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 + 2 5 हो गया। देखो एक गलती होगी ना कहीं तो फिर से पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। C2 को चेंज कर रहे हैं ना, 3 C1 + 3 C1 कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 + 2 5 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2, और यहाँ ऐड करेंगे ना तो क्या होगा हमारे पास, -2 + 9/2, तो क्या होगा, -4 + 9 5/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5/2। क्लियर है, अब आ जाओ C3 पे।
पहले C1 ये क्या बोल रहा है, C3 में से सबट्रैक्ट करना है, क्या -3C1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके किया तो ये तो 0 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ सबट्रैक्ट किया तो ये भी 0 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 -9/2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2, तो क्या होगा 4 -9 -5/2, ये हो गया हमारा -5/2। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आई होप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। अब क्या करना है हमें, अब इसे क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या किया मैंने, सेकंड कॉलम को 5 से डिवाइड कर दिया, तो C2 को चेंज किया, क्या किया, 1/5 C2 कर दिया। ठीक है, तो यहां भी सेकंड कॉलम को 5 से डिवाइड करना होगा, तो ये तो 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/10, ये हो गया 1/5, सेकंड कॉलम को किया ये 0 हो गया, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, -3/2 0/1, और ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड कॉलम है हमारा 1/1 3/2, ये हो गया 0/1, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0/0, ये तो चेंज होगा नहीं, -5/2। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, ये तो हमने इसको 1 कर दिया, अब हमारा टारगेट क्या, इसे 0 करना, तो ये 0 कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसे 0 कैसे करेंगे, मैंने बोला ना ये 1 करने के बाद अब कॉलम ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, तो रो वाइज 0 करो, इसे 0 कैसे होगा, सिंपली C1 -C2 कर देते, तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, C1 को चेंज किया, क्या किया, C1 -C2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये A हो गया, ये यहाँ भी C1 -C2 करेंगे, तो ये बताओ ये क्या होगा, 1/2 -3/10, तो क्या हो जाएगा ये 5 -1/2, यहाँ देखो रफ में मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो 1/2 -3/10, तो क्या हो जाएगा 5 -3/10, क्या हो गया 2/10, तो ये क्या हो गया 1/5, तो ये हो गया क्या हमारा 1/5। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया -1/5, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो 3/10 रह गया, ये 1/5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 -1 0, 3/2 इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो गया। अब 3/2 -1/2, तो 2/2 1 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये -5/2 हो गया।